स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए स्वास्थ्य सबका। तो मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने एक स्कीम लागू की थी 99 के अंदर समझ लो, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स। उस वक्त BPL संख्या बहुत ज़्यादा थी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। उस जमाने के अंदर मैंने उनके लिए अनलिमिटेड कर रखा था, गरीब आदमी जो है तकलीफ नहीं पाना चाहिए हेल्थ को लेके, क्योंकि पैसा कहाँ लाएगा, 5 लाख 10 लाख। 5 लाख 10 लाख हमने कई लोगों को मदद भी करी उस जमाने के अंदर उस फंड से। तो कहने का मतलब ये है उस वक्त मैंने स्कीम शुरू करी थी। अब आप मेरा अनुभव सुनिए, मैं कैंप क्यों लगा रहा हूँ। स्कीम चलती गई, 4 साल निकल गए। अब मैं पूछ हर मीटिंग बोलता इस मीटिंग इस स्कीम के बारे में, लोग और बोलते थे। 4 साल के बाद हाथ खड़े कराना शुरू की मीटिंग के अंदर। तुम बताओ हाथ खड़े करो, कितने लोगों को स्कीम मालूम है कि गरीब के लिए पूरा इलाज फ्री उसका है अनलिमिटेड खर्च के साथ में। फिर हाथ में गिनता वहाँ पर कई 50, 60, 80 हाथ खड़े कर मिलते थे। मैंने कहा एक बार बताओ, तुम 3,000 लोग बैठे हो, 2,000 लोग बैठे हो, अगर आप लोग सबको मालूम जानकारी रखते स्कीम की, गांव तक ढाणी तक पहुंचाते स्कीम को पहुंचाते, कितने गरीबों का जो BPL के लोग हैं बेचारे, उनका भला हो सकता था बताओ। मैं उनको खूब खरी खोटी सुनाता था, कहने मेरी स्कीम पहुंचती नहीं है। अब ये कैंप लगाया ना तो मजबूरी होगी आने की, इस पर सब स्कीमें आ गई उसके अंदर।